आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर। भाजपा जिला कमेटी की ओर से अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया और राज्य में लगातार बढ़ रहे बलात्कार के मामलों एवं गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया गया। जिला अध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, डॉक्टर जेपी वर्मा, सुनील पासवान, कामेश्वर पासवान, दिलीप वर्मा, संदीप डंगाइच, रागिनी लहेरी, रजनी कौर, संगीता सेठ, लक्ष्मण स्वर्णकार, संजीत सिंह, पप्पू सुभाष सिन्हा, प्रदीप शर्मा, रंजन सिन्हा, सुमित कुमार, अनिल राम, महेंद्र वर्मा, एजाज अहमद, छोटू खान, विनय सिंह, सदानंद राम, अजय रंजन सिंह, संजय सिंह, अनिल मिश्रा, अनूप सिन्हा, हबलू गुप्ता, प्रकाश दास, मोहम्मद इरफान, मनोज मौर्या समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर नेताओं ने कहा कि राज्य में बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अन्य आपराधिक घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। नेताओं ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में विफल रही है, जिससे अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं। नेताओं ने इस सरकार को पूरी तरह से हर मोर्चे पर फेल बताया है। गिरिडीह से नयन पटेल की रिपोर्ट। अंबेडकर चौक में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया है। धरना के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं सरकार को कि एक साल पूर्ण हुआ सरकार की, और एक साल में 1700 महिलाओं की पूरे झारखंड में उनकी बलात्कार करके उनका हत्या कर दिया गया, और प्रशासन भी सरकार की है इसलिए कहीं भी महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं, और ये सरकार को अविलंब अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और हम लोग इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे अगर महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा तो। आज महिला पूरा झारखंड में घर में बाहर में कहीं सुरक्षित नहीं है, आज उनके इज्जत के साथ खेला जा रहा है और झारखंड सरकार कान में रूं डाल के सोई हुई है। इसलिए हम लोग आह्वान करते हैं कि धरना के माध्यम से अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला अंबेडकर चौक में भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन हम लोग किए हुए हैं। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से झारखंड में बहु बेटियों का इज्जत सुरक्षित नहीं है, और आंकड़े के मुताबिक एक साल के अंतर्गत में करीब 1800 बहु बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, और उसमें से 50% जिनके साथ बलात्कार हुआ उनकी हत्या कर दी गई। और यहाँ के जो सरकार हैं वह बिल्कुल चैन से सोए हुए हैं, यहाँ की बहु बेटियों के बारे में इनकी इज्जत सुरक्षित कैसे रहे इनकी चिंता नहीं है, और ये अपना अधिकारी और पदाधिकारी के माध्यम से वसूली में लगे हुए हैं। आए दिन, आए से दो दिन पहले और मांझी में एक 20 वर्षीय लड़की का सिर कटा हुआ लाश मिलता है और उनके साथ बलात्कार होता है, और जब उनके परिजन एफआईआर करने के लिए जाते हैं तो यहाँ के पुलिस के पदाधिकारी बोलते हैं कि आप साक्ष्य लाइए कि इनके साथ एफआईआर हुआ और फोटो लाइए। अब बताइए कि उनकी हत्या हो गई और इनके परिजन जब जाते हैं तो वो एफआईआर तक नहीं लेते, और उल्टे में भारतीय जनता पार्टी जब इनका पूरे झारखंड प्रदेश में इस मुद्दे पर पुतला दहन का कार्य किए इसके बावजूद इनका चैन का नींद नहीं खुला, तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश में जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना देने का काम कर रही है, और कल पूरे झारखंड प्रदेश के जितने भी मंडल हैं उस मंडल में भारतीय जनता पार्टी सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना देकर के राज्यपाल महोदय से मांग करेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी एक दिवसीय धरना कार्यक्रम कर रही है, और इसलिए धरना कार्यक्रम कर रही है कि एक वर्ष हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की सरकार बने हुए, और ये सरकार में आतंकवाद इतना बढ़ गया, क्राइम इतना बढ़ गया, और आए दिन बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा है।
ये सरकार एक वर्ष के अंदर भी इस बात को समझा ये सरकार फेल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी धरना के माध्यम से इस बात को महामहिम राज्यपाल के माध्यम से कह रही है कि ये सरकार चलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अविलंब इसको जो सो हटा करके राष्ट्र शासन हो जाए।